वेलकम टू न्यू ब्लॉग ऑफ माय चैनल। आज का ब्लॉग हमारे गांव की जमीन और घर को लेकर है। इस ब्लॉग में हम सब कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय दिस ब्लॉग। लेट्स गो, हैव फन। अभी करीबन सुबह के 6 बज रहे होंगे और मैं अपने घर के छत पे खड़ा हूँ और फिर मुझे ये नज़ारा दिखा। ये हरियाली, ये परिंदों का चहचहाना, ये सनसनाती करती ठंडी ठंडी हवाएं, मानो जैसे आपसे ये कह रही हूँ, अरे जागो, आंखें खोलो और देखो उस फिर से भी अलग हमारी एक सहज दुनिया है। और मैं गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए मन ही मन बुदबुदाया और कहा, आजकल दुनिया में शांति कितनी महंगी हो गई है ना। सच्ची मानो लाइफ बिल्कुल स्लो मोशन में चल रही थी और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, पर दुख इस बात का था कि ये सब बस कुछ समय के लिए ही होगा। ये जो है, ये तालाब है हमारे घर का। ये आपको तालाब दिखाते हैं, ये रहा पूरा तालाब है, इसमें मछलियाँ हैं और इसमें कभी कभी हम लोग मछली मारते हैं। जैसे देखो वो मछली मार रहा है, और ये आपको दिखेंगे, ये बाउंड्री है अपने घर का। ये आउटर साइड है, ले चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, जो हमारा जो खेत है, बगीचा है, और जो हमारे जो फोरफादर थे जिन्होंने लगाया था इस बगीचे को, वो आपको दिखाएंगे। ये रोड है जो कि गांव के साइड जाता है, और आपको आगे नदी है, वो नदी भी दिखाएंगे। हालांकि वो सीजन नदी है, ऐसा नहीं है कि उस नदी में पानी हमेशा होता है। जब बारिश होती है तो पानी उसमें होगा, जब बारिश नहीं होती तो नदी सूख जाता है, तो ऐसा वो नदी है। बट पानी थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सूख जाता है, पानी होता है। और जैसे आपको मैं दिखा दूँ, नदी के साइड से जाती है ये रोड है, और ये रोड आगे जाने से नदी जाएगी। पर अभी हम आपको पहले बगीचा दिखाएंगे, फिर उसके बाद नदी के साइड चलेंगे। ये चलते हैं, देखिए ये बगीचा है, ये बिजनेस पर्पज से लगाया गया। इसको बेच करके जो ये काफ़ी, इसकी जो लकड़ियाँ होती है वो काफ़ी महंगी बिकती है, इसलिए इस वाले पेड़ को लगाया जाता है यहाँ पे। और जनरली ये करीबन 5 या 6 साल का ही ये, मतलब जो गार्डन है, ये जिसको बगीचा बोलते हैं, ये 5-6 साल ही हुए हैं। और 5-6 साल में आप देख लो कि कितना ज़्यादा फैल गया ये। और सोचो अगर 20-25 साल अगर ये रह गया तो कितना ज़्यादा फैल जाएगा। अब और भी ले चलता हूँ नज़दीक, ये देखो इस नदी का जो कुछ पार्ट है, क्योंकि नदी आगे भी है और इधर भी है, वही सेम नदी है, उसका कुछ पार्ट जो है इधर भी है, वो अभी आपको दिखा दूँगा। सीजन में, जब गर्मी का सीजन में बिल्कुल बगीचा क्लीन होता है, ये गार्डन बिल्कुल क्लीन किया जाता है, इसमें लेवर लगाया जाता है, और ये जंगल जितने भी हो रखे हैं
ये सबको क्लीन किया जाता है, बट अभी ऐसा है कि आम का सीजन नहीं है तो ये तो इसका कोई यूज़ नहीं होता, और ठंड का मौसम भी हो रखा है तो यहाँ पे गार्डन में कोई आएगा भी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा जंगल वंगल हो गया है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ये बिल्कुल साफ, और यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, और जिसको गर्मी लगती है गर्मियों में आके बैठ भी सकते हैं, तो ऐसा दिखता है पूरा गार्डन। और जो अभी आपको जो दिख रहा है उधर, वो मेरे जो ताऊ जी हैं उनका है, उनका उन्होंने लगाया है ये वाला। तो देख लो ये जो है ये पूरा नदी का पूरा जंगल है। यहाँ पे आपको आगे भी ले चलूँ तो हमें सांप वाँप भी काफ़ी ज़्यादा होते इसमें, पर फिर भी चलते हैं देखते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, सांप मिल गया तो आप लोग भी देख लोगे। ऐसी नदी है, देख पानी देख लो, नाला ही रखो, पर बट ये है कि ये नाला इसलिए इसको नहीं बोलते क्योंकि आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है, तो नेचुरल तरीके से ये बना है इसलिए इसको नदी का नाम दिया गया है, अदरवाइज ये नाला ही रखो क्योंकि साइज नाले जितनी है, पर ये चौड़ाई तो कम है इसकी बट लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ये देख लो सांप, ये देख लो सांप, ये सांप है, इसने बोलता है इधर काफ़ी ज़्यादा सांप होते हैं, देखा। तो आगे जाना ठीक नहीं होगा, ये पूरा जंगल है, ये देख लो पूरा जंगल है। इधर भी पूरा जंगल है, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा, ये सांप वांप काफी ज्यादा निकल रहे हैं। अभी तो देखते आते आते हमें एक सांप दिख गया, भाई साहब निकलो इधर से। तो ये रहा, और बाकी खेत वेत आपको दिखाएंगे हम, खेत जो जिसमें क्रॉप्स वगैरह लगाए जाते हैं, बाकी तो आप खुद ने आपको इधर दिखाई दिया था, और बाकी देखो ये सारा खेत है, और ये जो खेत जो भी दिख रहा है ये खेत आपको, ये सब हमारा ही है खेत, जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है ना वो पेड़, जहाँ तक वो आपको गार्डन दिख रहा है ना इधर राइट हैंड साइड में जहाँ पे ख़त्म है वहाँ तक जो भी है यहाँ पे खेत वो सब हमारा ही है, सब में भी धान लगे हुए हैं। ये गांव की लाइफ है, ये गांव में खेत ज़्यादा मिलेंगे आपको, लोग कम मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। और ये खेत है पूरा, ये देखो पूरा खेत है, और ये जो रोड है ये रोड नदी की ओर जाती है, और इधर चलेंगे उधर नदी वदी का भी आपको दिखा देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अब नदी किनारे, अभी आपको नदी भी दिखाएंगे, और उसके बाद फिर चलेंगे अपना प्लॉट भी आपको दिखाएंगे, खेत इधर का तो आप लोगों को खेत दिखा दिया, और आगे का भी आप लोगों को जो प्लॉट है हम लोग का वो दिखाएंगे, पूरा खेत जिसमें धान जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, चावल लगा हुआ है, क्रॉप वो दिखाएंगे आपको। ये जो है मतलब जंगल है, उनका बगीचा है पूरा, कितना पेड़ होगा इसमें विकी, 20-25 के आसपास है इसमें टोटल पेड़, और अब चलिए आगे चलते हैं।
उसका पूरा ही पेड़ है, पौधा अभी तक जिसमें डाल नहीं आया, पर ये उसी का पेड़ पौधा ही। ये नदी है, ये पूरा जो है ये सेम नदी है। और देखिए यहाँ पे इसका आपको दिखा दूँ, ये पानी इसके टाइम से पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है इसके पानी बिल्कुल ही कम हो जाता है। अब चलते हैं आगे अपने प्लॉट की तरफ। ये है रास्ता जाने का, ये अगल बगल आपको जो भी दिख रहा है दोनों साइड, ये है केले के पेड़, ये था देखते हैं, ये देख लो दोनों साइड पर केला ही केला है, केले के देखिए दोनों साइड केले के पौधे के पेड़ जो भी बोल लो। रोड है पक्की रोड है, बिल्कुल हम लोग के प्लॉट तक जाती है ये रोड। ये रोड की रोड है, ये अलग ये न्यू रोड है, पहले नहीं था, ये 5-10 साल पहले बना है जब हम खुद से खेती क्या करते थे, मतलब अभी तो हमने किसानों को दे रखा है जो हमारे अंदर था ये सारा प्लॉट, तभी ये जो रोड है उस समय नहीं था, ये रोड बाद में बना है। ये प्रधानमंत्री योजना वाला ना, ये प्रधानमंत्री योजना वाला ये जो है ये बाद में जब ये सेंक्शन हुआ था ये वाला रोड तो उसके बाद बना है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सब खेत जो है अपना ही खेत है ना, ये सारा वहाँ से लेकर उधर आगे तक जितना भी आपको खेत दिख रहा है यहाँ से जहाँ तक नज़र आ रहा है आपको, अब वो सारा अपना खेत है। वो सामने ये आपको पता नहीं कैमरा में दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, आगे भी रोड है, उस रोड के पार भी अपना ही है, और ये जितना भी आपको यहाँ से दिख रहा है सब अपना ही खेत है, और इसमें सब धान लगा हुआ है, चावल। और दिख रहे गाड़ी आपको छोटा सा दिख रहा होगा, गाड़ी आ रही है वहाँ तक रोड है, उसके पार भी हमारा ही है और इधर भी हमारा ही है, ये पूरा प्लॉट ही है, ये आपको दिख रहा होगा पूरा प्लॉट अपना ही है जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। आगे एक मोहल्ला दिख रहा होगा, घर दिख रहा होगा, छोटे छोटे घर देख लो, जो घर है उधर अपना ही है वहाँ तक। बाकी आप आपको भी और दिखाएंगे, अभी और भी है आगे भी है हमारा ही है, वो भी तीन जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग का घर है उधर भी है, और ये दूसरे गांव में है ये वाला प्लॉट, और एक प्लॉट है जो कि वो भी तीसरे गांव में है, फिर वहाँ भी जाना होगा, वहाँ भी जाके आपको दिखाएंगे। और इतना इतना बड़ा वाला नहीं है, वहाँ भी इससे इसका आधा होगा, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये भी जो आगे घर है पेड़ है, वो जो आपको जो पेड़ दिख रहा है ये वाला, इस पेड़ का इधर और एक घर, हाँ जो भी है, और ये सारा अपना ही है यहाँ पे, ये सारा अपना ही प्लॉट है, ये सारा अपना ही खेत है इधर, फिर आपको इधर जो है रोड के इस पार ये भी है इधर, वो दिखा दो इधर भी है, दोनों साइड रोड के दोनों साइड अपना ही है। बाकी बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको प्लॉट, काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ इधर, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद आ रहा हूँ, 10 साल के बाद तो कितना पहले था, 10 साल ऑलमोस्ट 10-12 साल के बाद हम लोग इधर आ रहे हैं, पहले तो आते थे पर 10-12 साल तक हमारा इधर आना नहीं हो रहा था, काफ़ी चेंजेस लग रहे हैं। ये भी तालाब जो है अपना ही तालाब है, इसमें मछली है, और
इस मछली को हम लोग बेचते हैं। और ये जो है ये छोटा सा हम लोग का जो देवता होता है कुल देवता, उसका ये छोटा सा मंदिर है। और ये हम लोग का मंदिर है, हम लोगों ने ही बनाया है, दूसरे गांव में पर बनाया हुआ हम लोग का है। इसको हम लोग का जो कुल देवता है उसका ये मंदिर है। और ये पोखर है, और ये साइड से रास्ता है। ये जो आपको दिख रही है ये भी बगीचा हम लोग का है, ये पूरा बगीचा है। ये दिख रहा है ये पेड़ जितने भी लगे हैं ये हमारा ही है। एक तो आपको दिखाया था पहले जो बगीचा, और ये एक बगीचा ये करीबन इसमें से 50 से 60 मतलब पेड़ होंगे। सेम रास्ता है, यही रास्ता था, हम लोग घर जाएंगे। और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो दूसरा प्लॉट है वो भी दिखा देंगे, अगले वीडियो में कवर कर देंगे गाँव का जो भी है, जैसे लोग कैसे रहते हैं गाँव में, कैसा दिनचर्या होता है उनका, वो सब आपको कवर करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को मैं, मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे जो अगला वीडियो होगा थोड़ा सा शॉर्ट रखने का। चलिए अपना ख्याल रखिए, दस विदानियाँ। Everything